अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पत्ती पड़े हुए हैं, और इसको चलाता हूँ फिर देखना आप लोग। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवा दे रहा है जिसकी वजह से ये पत्ते उड़ जा रहे हैं ऐसे। तो दोस्तों अभी के टाइम में बरसात का समय चल रहा है, लेकिन दोस्तों अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों आप देखते हैं मेरा इतना हाल क्या हो रखा है। रेड बुशर था जबकि ये वाइट हो चुका है पसीने की वजह से, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज के इस यार एक रिचार्जेबल मिनी फैन बनाया है। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये होममेड रिचार्जेबल मिनी फैन है। आप देखते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इसका लुक लग रहा है, छोटा सा है दोस्तों, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, नीचे ऊपर कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2400 एमएच का लिथियम आयन बैटरी लगाया है, जिसकी वजह से दोस्तों इसका 3 घंटे बैटरी बैकअप है, यानी कि लाइट नहीं है तो भी एक बार आप इसको चार्जिंग करने के बाद 3 घंटे लगातार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और आपको गर्मी से बचा सकता है। यह हवा बहुत तेज़ी के साथ देता है, तो यहाँ पर इसका स्विच है जो ऑन ऑफ करने पर ये चलता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी तेज दोस्तों ये हवा देता है इस तरह से चलाने के बाद ये, और यहाँ पर इसका चार्जिंग है जिसकी वजह से ये चार्ज हो पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको अभी बना सकते हो, बहुत तेज़ गाड़ी ये हवा देता है, तो आप लोग भी गर्मी से बच सकते हो। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं किस तरह से बनाया गया वीडियो, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम का होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग घर पे बनाओ तो आसानी से बनाना सीख जाओ, इसका कनेक्शन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इस तरह से बताया गया है आपको। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो इससे पहले यार आप लोग देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसको नोटिफिकेशन पहुँचे। तो वीडियो शेयर करते हैं ऑन दिस। तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर ये फ़ैन, जो कि यहाँ पर नॉर्मल सा फ़ैन है, डीसी फ़ैन, काफ़ी तेज़ है दोस्तों ये हवा देता है। तो अब दोस्तों इसको मैं रिचार्ज बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मुझे किसी तरह बैटरी फिक्स करना पड़ेगा, अगर पीछे साइड में बैटरी फिक्स कर देंगे तो हवा ज़्यादा खींच नहीं पाएगा और काफ़ी ज़्यादा जगह फंस जाएगा, तो देखने में बिल्कुल इसका शो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे जगह फिक्स करना होगा जहाँ पर इसका शो भी खराब ना हो और जो देखने में भी अच्छा लगे, जैसा है वैसा ही दिखता रहे, बस छोटा सा इसके अंदर कहीं बैटरी फिक्स हो जाना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसका जो यहाँ पर स्टैंड है टाइप इस तरह से, यहाँ पर इसके नीचे साइड में एक डिब्बा छोटा सा बॉक्स फिक्स करेंगे जिसके अंदर हमारा दोनों बैटरी आराम से फिक्स हो जाए और चार्जिंग मॉड्यूल बटन वटन सारा फिक्स हो जाए इसके अंदर। तो इसलिए दोस्तों हमने एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाना होगा प्लास्टिक का, ताकि इसके ऊपर हम अच्छा से फिक्स कर पाए, यहाँ पर से लेके यहाँ तक इसका साइज़ जो है उतना ही होना चाहिए। तो मैं टोटली ले लेता हूँ इसका साइज, पट्टी की सतह नाप लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर का एक हमें बॉक्स बनाना होगा, ताकि हमारा बैटरी आराम से आ जाए और बैटरी भी 8 सेंटीमीटर के अंदर आ जाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके लिए दोस्तों मुझे एक बॉक्स बनाना होगा। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने आपको इन्वर्टर बनाकर दिखाया था, तो उसका बॉक्स मुझे मेरे पास है यहाँ पर, तो इसको मैंने थोड़ा सा कटिंग कर लिया, थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर बना लिया है। आप लोग भी इस तरह से बॉक्स बना सकते हो, अगर आपको बनाना चाहते हो कि इस तरह से बना के दिखाया गया है, तो आप लोग जाकर उस वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हो और इसको बनाना सीख जाओ कितना इसका लेंथ है। तो बेसिकली मैं इसके बिल्कुल लेंथ इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बराबर आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल साइज़ बिल्कुल परफेक्ट गाइस, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं है। और इस तरह से इसके ऊपर हमने रखने के बाद इसका साइज़ भी अच्छा लगेगा दिखने में और इसके नीचे बैटरी फिक्स हो जाएगा, ताकि इसका शो भी ख़राब ना होने पाए, मैं यही सोचकर इसका काम कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों इसका जो बॉक्स है आगे का साइज़ यहाँ पर टूट गया था, तो इसलिए मैं इसको बना लूँगा, एक छोटा सा प्लास्टिक का पाइप है मेरे पास यहाँ PVC, इसको इसी साइड लगाने के बाद, मान लीजिए इस साइड लगाने के बाद कटिंग कर लेना है इसको हमें। वरना मैं नाप के भी काट सकता था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली कटिंग करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसको कटिंग कर लेना है कटर के साथ से, इसको साइड रखते हैं और इसको कटिंग कर लेते हैं जितना साइज का है। अब इसके अंदर आसानी से फिक्स हो जाएगा यहाँ पर बॉक्स इसके, इस तरह से बॉक्स में। और फिक्स करने के बाद दोस्तों इसको हमें सुपर ग्लू से चिपका देना, ताकि ये थोड़ा सा भी नीचे ऊपर ना होने पाए आगे पीछे,
तो अब मुझे इसको चिपका लेना छतरी। इस तरह से दोस्तों मैंने इसको चिपका दिया अच्छे तरीके से। तो ये तो था दोस्तों इसका बॉक्स। और अब दोस्तों इसका बैटरी जो है यहाँ पर मेरे पास है, एक लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है 1200 mAh का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1200 mAh ये वाला है। और एक बैटरी और है मेरे पास यहाँ पर, ये भी 1200 mAh का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ सीधा सीधा 1200 mAh लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से दोनों बैटरी को हमें आपस में पैरेलल में जोड़ना है, यानी कि प्लस प्लस दोनों का एक साइज होगा और माइनस माइनस एक साइज होगा, ताकि इसका जो है हमें एम्पियर बढ़ाना है, इसका वोल्टेज सेम रहेगा, यानी 3.7 वोल्ट तकरीबन रहेगा ये 5 वोल्ट तक, तो आराम से चल जाएगा और इसका जो है एम्पियर वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका हम बैटरी बैकअप जो है वो 3 घंटे कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सिंपली इसको सोल्डर कर लूँगा यहाँ पर, इसको पहले चिपका लेते हैं आपस में। तो इसको चिपकाने के बाद दोस्तों आपस में दोनों को सोल्डर कर लेंगे दोनों वायर को। तो दोस्तों अब मैं इसका दोनों माइनस पॉइंट को, यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये माइनस वाला दोनों है, तो इसको मैं आपस में सोल्डर कर लूँगा यहाँ पर रखने के बाद वायर को। तो यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं पहले। इस तरह से दोस्तों हमने माइनस पॉइंट को सोल्डर कर दिया है एक साइड में, प्लस वाले को सोल्डर कर लेते हैं यहाँ पर पैरेलल में, ताकि इसका जो है एम्पियर वो ठीक रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको सोल्डर कर दिया, इसके वायर को यहाँ पर दो वायर यहाँ पर सोल्डर कर दिया है, दो वायर यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। तो इस तरह से इसका बैटरी जो है वो पैरेलल में बन चुका है अच्छे तरीके से। तो इसका अब दोनों बैटरी आपस में जुड़ चुका है। तो अब दोस्तों इसको मैं फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल दूंगा यहाँ पर। उससे पहले दोस्तों इसके अंदर हमें एक स्विच लगाना होगा, ताकि हमारा फैन जो है वो ऑन ऑफ हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्लाइड स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो STFC स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर इस तरह का भी स्विच इस्तेमाल कर सकते हो बड़ा वाला, लेकिन इसको काटना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा काटना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। छोटा स्विच रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसका मैं यहाँ पर मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर दूँगा, जगह बना दूँगा इसको। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर दिया दोस्तों, इसको कटिंग कर लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हमें एक चार्जिंग केबल इसके अंदर लगाना होगा, ताकि हमारा बैटरी जो है वो चार्ज करता रहे। तो यहाँ पर चार्जिंग केबल लगा दूंगा मैं इस साइड में। या फिर इसी साइड में लगा दूंगा, चलो यहीं पर लगा देता हूँ। कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर सोल्डर आयरन का इस्तेमाल करूँगा, ताकि आसानी से कट जाए तुरंत। तो दोस्तों अब मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, फिनिशिंग छेद तो हो गया इसके अंदर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर दिया है, इसका फिनिशिंग भी कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके अंदर हमें चार्जिंग जैक सिंपल डाल देना है यहाँ पर। तो यह है एक 5 रुपये का चार्जिंग जैक, तो इसको हमें सिंपल इसके अंदर लगा देना है यहाँ पर। इसको यहाँ पर डालने के बाद अच्छे तरीके से सुपर ग्लू चिपका देना, ताकि ये बार बार बाहर आ जाएगा छूट कर, तो इसलिए इसको चिपकाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमें एक स्विच भी इसके अंदर लगा देना है यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस पर आप चाहो स्क्रू लगा सकते हो, वरना थोड़ा सा बड़ा कट गया है इस, तो सोल्डर आयरन से कट कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मुझे सुपर ग्लू ही लगाना पड़ेगा चिपकाने के लिए इसको। खैर ये भी चिपक गया अच्छे तरीके से। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए, ताकि इसका बैटरी जो है ये ओवर चार्जिंग की वजह से ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इसके अंदर एक TP5640 चार्जिंग मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपको ऑनलाइन हो गए तो 30 से 40 रुपये का मिलेगा, और लोकल मार्केट में तब भी आपको 25 से 30 रुपये का इजली मिल जाएगा। तो इसको भी आपको लेना है। और यहाँ पर जो ये माइनस वाला पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो ये माइनस वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पर हमें चार्जिंग जैक का जो है माइनस वाला पॉइंट जोड़ देना है। और जो प्लस वाला दिख रहा है, यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट जोड़ देना है। तो इस तरह से इसको हमें सोल्डर कर लेना है। तो इसको फटाफट से कर लेते हैं सोल्डर। उसके बाद दोस्तों जो बैटरी वाला यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर B- इस पर बैटरी का माइनस, सॉरी गाइस, इस पर होगा बैटरी का वायर माइनस वाले पर B- पे, और प्लस वाले पर B+ पे होगा प्लस वाला पॉइंट इस पर। और जो आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट पे होगा प्लस माइनस, जो कि हमें पंखे का वायर जोड़ना है यहाँ पर।
आउटपुट वाले पर पंखे का वायर जुड़ेगा माइनस पर, और प्लस पर रेड पंखा पे वायर जुड़ेगा, यानी वायर जुड़ेगा पंखे का। तो इस तरह से इसको सोल्डर कर देना है। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। वायर आया हुआ है इस साइड से, तो इसके अंदर थोड़ा छेद कर लेंगे ताकि ये वाला वायर इसके अंदर आसानी से चला जाए। बस इतना ही करना है। इसके वायर को सिंपल यहां से डाल देना है और इस तरह से निकाल लेना है इसके वायर को। तो दोस्तों ये है फैन का वायर दोनों। तो एक वायर हमें सिंपली स्विच से कनेक्ट कर देना है और एक वायर यहाँ से जोड़ देना है, यानी कि प्लस वाले पे जोड़ देना है और एक माइनस पे। तो यहाँ से जोड़ते हैं सिंपल, माइनस वाले पे माइनस पे जोड़ते हैं, पहले टेस्टिंग करते हैं ताकि सोल्डर आसानी से हो जाए। इस तरह से अब एक वायर दोस्तों सिंपल यहाँ से लेने के बाद, ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसको सिंपली हमें यहाँ से निकाल लेने के बाद यहाँ से स्विच में कनेक्ट कर देना है। यहाँ से एक बार सिंपल यहाँ से जोड़ने के बाद स्विच से डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर जोड़ देंगे, उसके बाद हो जाएगा काम लोहा। और एक बार को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसका कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है टोटली। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वायर सिंपल यहाँ से स्विच में कनेक्ट कर दिया है, और ये वाला जो डायरेक्टली मोटर का वायर आया हुआ है सिंपल यहाँ से स्विच में कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे यहाँ पर इस साइड में ये फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है फैन अच्छे तरीके से। तो इसको हम चार्ज कर पाएंगे यहाँ से लगाने के बाद, क्योंकि ये वाला चीज़ फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए। तो अब हमें इसके ऊपर सिंपली चिपका देना है इसको, और इस बैटरी को भी चिपकाना पड़ेगा ताकि ये बैटरी हमारा हिले ना, वरना हिलेगा तो गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। और इस पर डबल टेप लगाकर इसके बैटरी को यानी चार्जिंग मॉड्यूल को भी चिपका देते हैं। तो दोस्तों फाइनल हमारा फैन जो है बनकर तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच यहाँ पर लगा दिया है, एक चार्जिंग जैक। चार्जिंग जैक की सहायता से ये बैटरी इसका चार्ज होगा, और इस स्विच की सहायता से ये फैन चलेगा बेसिकली। तो चलिए अब इसका आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं किस तरह से ये चलता है और कितना हवा देता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं नीम का, तो अभी हवा चल नहीं रहा जिसकी वजह से पेड़ बिल्कुल शांत है, लग रहा है पेड़ बिल्कुल भी शांत है, अभी पत्ता हिल नहीं रहा है। तो अब मैं इसको पंखे चालू करूंगा और फिर इसके बाद इसकी हवा देखते हैं कितना तेज देता है, ताकि ये पेड़ का पत्ता जो है वो हिलने लगेगा इसकी हवा की वजह से। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट। यहाँ पर इसको हम बेसिकली चलाएंगे और अभी देखना आप लोग चला दिए, तो अब देखते हैं काफ़ी तेज़ हवा दे रहा है इसे। देखो दोस्तों आपने देखा कितना तेज़ ये हवा दे रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से। दोस्तों ये गर्मी से बचने के लिए बढ़िया जुगाड़ है और अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप लोग इसको बना सकते हो। एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा पत्ते उड़ाकर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये मतलब इसका हवा की वजह से ही ये चल रहा है। तो अभी आप देख रहे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पत्ती पड़े हुए हैं, और इसको चलाता हूँ फिर देखना आप लोग। मैं यहाँ पर इसको चालू कर दूँगा और ये चलना स्टार्ट हो गया है काफ़ी तेज़ से। तो हवा दे रहा है काफ़ी मस्त, मज़ा आ रहा है, काफ़ी मस्त हवा दे रहा है। आप देखना आप लोग यहाँ पर, यहाँ से आप देख रहे थे काफ़ी तेज़ हवा दे रहा है जिसकी वजह से ये पत्ते उड़ जा रहे हैं ऐसे। अच्छे तरीके से